नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहली खबर, सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई शपथ। जी हां, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नीतीश सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राजभवन के राजेंद्र मंडप माहौल में आयोजित समारोह में नीतीश कुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हालांकि जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा चुनाव में कम सीटें हासिल हुई, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का अपना पुराना फैसला लागू किया। अगली बड़ी खबर, तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी ने ली शपथ, बिहार में पहली बार दो डिप्टी सीएम। जी हां, बिहार में पहली बार दो डिप्टी सीएम सरकार में बनाए गए हैं। बीजेपी के तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी ने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। बीजेपी की तरफ से इन दोनों को सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई है। आपको बता दें कि इसके पहले नीतीश कुमार के कैबिनेट में बीजेपी की तरफ से केवल एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे। सुशील मोदी की छुट्टी करने के बाद अब बीजेपी नेता किशोर प्रसाद और रेणु देवी को जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही आपको बता दें कि तार किशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। वह चौथी बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, जबकि रेणु देवी भी चौथी बार जीतकर सदन पहुंची है। रेणु देवी बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आती है। चार विधायकों के नेता मुकेश सहनी बन गए मंत्री, दसवें नंबर पर ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। सिमरी बख्तियारपुर सीट से विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी नीतीश कैबिनेट के मंत्री बन गए हैं। उन्होंने दसवें नंबर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनके चार विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। मुकेश सहनी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अब मंत्री पद की शपथ लेने के बाद वह विधान परिषद कोटा से सदस्य बनाए जाएंगे। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने ली शपथ, हम कोटे से बने मंत्री। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ ली है। संतोष सुमन ने 9वें नंबर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। संतोष सुमन फिलहाल बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। उनके कोटे से सुमन मंत्री बनाए जाने वाले इकलौते सदस्य हैं। जेएनयू से मास्टर की डिग्री हासिल करने वाले संतोष सुमन को पहली बार महागठबंधन में रहते हुए विधान परिषद भेजा गया था। तब जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव के साथ थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह उन्होंने पाला बदला है और अपने बेटे को नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बनवा दिया है। जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी ने ली शपथ, मेवालाल और शीला मंडप भी कैबिनेट में। शपथ ग्रहण समारोह में 5वें नंबर पर जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। सुपौल से चुनाव जीतकर आने वाले विजेंद्र यादव नीतीश कुमार की टीम के बेहद पुराने सदस्य हैं। उनके बाद से जेडीयू में आने वाले अशोक चौधरी ने शपथ ली है। अशोक चौधरी ने 6वें नंबर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। अशोक चौधरी फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही विधान परिषद में राज्यपाल के मनोनीत कोटे से सदस्य बना दिया जाएगा। 7वें नंबर पर जदयू कोटे से मंत्री मेवालाल चौधरी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मेवालाल चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आए, दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके मेवालाल चौधरी तो पहली बार कैबिनेट में जगह मिली है। जदयू कोटे से महिला मंत्री के तौर पर शीला मंडल में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। शीला कुमारी फूलपरास विधानसभा सीट से पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंची है। उन्होंने 8वें नंबर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है।
अगली बड़ी खबर, जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। चौथे नंबर पर ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कोटे से शपथ लेने वाले पहले मंत्री विजय कुमार चौधरी रहे। विजय कुमार चौधरी ने चौथे नंबर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विजय कुमार चौधरी इसके पहले विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इस बार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के पाले में जाने के बाद उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस और एलजेपी को न्योता नहीं, आरजेडी ने पहले ही बना रखी है दूरी। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस और एलजेपी के नेताओं को न्योता नहीं भेजा गया। कांग्रेस और एलजेपी से आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक दोनों दलों में से किसी को न्योता नहीं मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोई आमंत्रण नहीं मिला, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि अब तक शपथ ग्रहण समारोह में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए जाने की परिपाटी रही है, लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आया। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को भी कोई आमंत्रण पत्र नहीं मिला। तेजस्वी ने बधाई देते हुए नीतीश पर साधा निशाना, बोले उम्मीद है सरकार अपना वादा निभाएगी। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधते हुए भी बधाई दी है। तेजस्वी ने ट्वीट किया, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव में महागठबंधन के हार के बाद तेजस्वी एक बार फिर नीतीश पर हमलावर हैं। हालांकि उन्होंने हार के बाद चुनाव आयोग से वोटों की रिकाउंटिंग की मांग उठाई थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। तंज कसते हुए चिराग ने दी नीतीश को बधाई, बोले उम्मीद है कार्यकाल पूरा करेगी सरकार। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नीतीश 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिसके बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक अलग अंदाज में नीतीश को ट्वीट करके बधाई दी है। चिराग ने नीतीश पर तंज कसते हुए लिखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई। आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए तुरंत अगला ट्वीट किया। चिराग ने लिखा, 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूं, ताकि उसमें से भी जो कार्य आप पूरा कर सके वह कर दे। एक बार पुनः आपको मुख्यमंत्री बनने की और भारतीय जनता पार्टी को आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश को बधाई, बोले एनडीए एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए काम करेगा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने बिहार में मंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। मैं बिहार के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं। विधानसभा के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी, अगले साल 2.5 लाख से ज्यादा पदों के लिए होंगे चुनाव। कोरोना काल के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाने के बाद अब राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। अगले साल बिहार के 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों के पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इसके लिए अब तैयारी शुरू कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग से मिल रही खबरों के मुताबिक अगले साल मार्च से लेकर मई के बीच राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। कोरोना के बीच देश के अंदर यह दूसरा बड़ा चुनाव होगा। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में 517 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,27,433 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल
6384 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 181 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से राज्य में 5 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1184 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि मात्र 24 घंटों के भीतर 614 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। पटना के 22 घाटों को घोषित किया गया खतरनाक। छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने किया अलर्ट। दीपावली के बाद छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। कोरोना काल में आस्था के इस महापर्व को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार की ओर से रविवार को छठ पूजा को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर पटना प्रशासन की ओर से भी खतरनाक और अनुपयोगी घाटों को चिन्हित किया गया है। पटना जिला प्रशासन के मुताबिक बुद्ध घाट, अदालत घाट, मिश्री घाट, टीएन बनर्जी घाट, जज घाट, वंशी घाट, जहाज घाट, अंटा घाट, सिपाही घाट, बीएन कॉलेज घाट, बालू घाट, खाजी केला घाट, पत्थर घाट, अदरक घाट, रिकाबंग घाट, पीर मदड़िया घाट, नंदगोला घाट, नरुद्दीन घाट, बुंदेली टोली घाट, दमराही घाट, केशवराय घाट और बांस घाट को खतरनाक और अनुपयोगी घोषित किया गया है। पटना जू में भी छठ पूजा का होगा आयोजन। कोरोना से बचाव का भी होगा इंतजाम। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में भी तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है। जू के झील की साफ सफाई की जा रही है। झील के कुछ हिस्सों को छोड़कर चारों ओर बांस और बल्ले से बैरिकेडिंग की जा रही है। झील के किनारे और बैरिकेडिंग के बीच की दूरी लगभग 10 से 12 फीट की होगी। बैरिकेडिंग के पास लगभग 3.5 से 4 फीट की गहराई है। जू प्रबंधन का कहना है कि जिस तेजी से काम चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि खरना तक काम पूरा हो जाएगा। झील के जिस हिस्से में बैरिकेडिंग की गई है लोगों को वहीं से झील में उतरने की अनुमति होगी। झील के चारों ओर ट्यूब और हेलोजन लाइट से रोशनी की व्यवस्था होगी। और अंत की बड़ी खबर, अगले 1.5 महीने में आयोजित होगी 5 बड़ी परीक्षाएं। देखिए पूरी लिस्ट। जी हां, अगले 1.5 महीने में प्रदेश में 5 बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी। ये वे परीक्षाएं जो पहले ही आयोजित होनी थी लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इनमें देरी हुई है। 5 परीक्षाओं में 2 पीटी जबकि 2 मुख्य परीक्षाएं होगी जबकि 1 सामान्य लिखित परीक्षा होगी। इनमें 3 का आयोजन बीपीएससी जबकि 2 का आयोजन बीएसएससी करेगा। तो आइए जानते हैं सभी परीक्षाओं के नाम और उनके तिथि। तो सबसे पहले 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो 6 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर सहायक वन संरक्षक परीक्षा जो 1 से 17 दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 25 से 28 नवंबर तक होगी। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा 3 दिसंबर में होगी। वहीं दूसरी ओर सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षा 25 दिसंबर में होगी। जिसके बाद कुछ ऐसे परीक्षाएं हैं जिनका तिथि जल्द ही घोषित किया जाएगा, जिसमें से 86वीं बीपीएससी पीटी उर्दू अनुवादक, राजभाषा सहायक और जेई काउंसलिंग सिविल। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब